एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही राम नाम का जप करने लगा। पैदा होते ही उसके मुंह में 32 दांत पहले से ही मौजूद थे। इसकी वजह से हर जगह अफवाह फैल गई कि ये बच्चा एक राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है, इसलिए उसकी माँ बाप ने उस बच्चे का त्याग कर दिया। बच्चे की देखभाल एक दासी ने की, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद एक साधु श्रीधर हरिदास जी ने उस बच्चे को अपनाया और अपने साथ अयोध्या ले गए, जहाँ उन्होंने उसका नाम राम बोल रखा। 15 साल तक उसने काशी में शिक्षा प्राप्त की, फिर वो वापस चित्रकूट पहुंचा और वहाँ राम कथा सुनाने लगा। तब एक बार उनके सामने एक बच्चा आया जो उसे चंदन का टीका लगाने की मांग करने लगा। वो उस बच्चे को चंदन का टीका लगा ही रहे थे कि उसी समय उनके पास एक तोता आया उड़ के और एक दोहा कहने लगा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। बस उसी समय राम बोले, जिन्हें आप तुलसीदास के नाम से जानते हैं वो तुरंत समझ गए कि वो तोता और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है और सामने खड़ा वो बालक जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है। ऐसी हमारे प्रभु की लीला। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी की वीडियो को शेयर जरूर।